रोहित शर्मा को मैं आसानी से आउट कर सकता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को लेकर पाकिस्तान टीम के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने विवादास्पद बयान दिया है। मोहम्मद आमिर ने एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में से किस बल्लेबाज को गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल रहा, जिसके जवाब में आमिर ने कहा है कि गेंदबाजी करते समय मुझे दोनों बल्लेबाजों को मुश्किल नहीं लगा। विराट और रोहित के सामने मैंने गेंदबाजी करना पसंद किया है, लेकिन कोहली के मुकाबले मुझे रोहित शर्मा को गेंदबाजी करना आसान लगा है। मोहम्मद आमिर ने कुछ सालों पहले भी रोहित शर्मा को लेकर इस तरह का बयान दिया था। चैंपियन ट्रॉफी 2017 में मोहम्मद आमिर ने भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को आउट कर तहलका मचा दिया था, जिसके बाद से आमिर और भारत के विराट कोहली व रोहित शर्मा के बीच एक अलग ही मुकाबला देखने को मिला। इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा के विकेट को लेकर आगे कहा है कि रोहित शर्मा को आउट करना ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि वो दोनों तरीके से आउट हो सकते हैं। आप उन्हें इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों में फंसा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में रोहित शर्मा इन दोनों गेंदों में जूझते हुए नजर आते हैं। मोहम्मद आमिर ने इस संदर्भ में आगे कहा है कि रोहित शर्मा के मुकाबले विराट कोहली को गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण जरूर रहा, क्योंकि दबाव में उनका खेल और भी ज़्यादा निखर जाता है। दबाव वाले मुकाबलों में वह डट कर खड़े रहते हैं और इन मैचों में वह जबरदस्त खेल दिखाते हैं, लेकिन रोहित और विराट कोहली को गेंदबाजी करना कभी मुश्किल नहीं लगा। मोहम्मद आमिर का रिकॉर्ड दोनों बल्लेबाजों के खिलाफ अच्छा रहा है। रोहित शर्मा के खिलाफ आमिर ने 44 रन दिए, उन्हें अभी तक 3 बार आउट किया है, तो विराट कोहली के सामने टक्कर और भी जोरदार रही है। मोहम्मद आमिर ने विराट कोहली को 2 बार आउट किया है, जिसमें चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला व विश्व कप 2019 का लीग स्टेज मुकाबला शामिल रहा है। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी है, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।